हो गए थे। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांचडिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। तो अपना प्रॉमिस था कि आप लोगों को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप के ऊपर का जो एमटीपी का क्वेश्चन है वो मैं करवाऊं। डेफिनेटली आई विल डू इट, बट प्लीज इंश्योर कि उसके पहले आप लोग ने किधर गया भाई वो सेशन, यस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप का ये वाला सेशन अटेंड कर लिया है, जहां पे मैंने इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। पूरा आईसीएआई के मॉड्यूल में से थ्योरी का एक एक वर्ड अपन लोग ने उधर समझ लिया था। सो नाउ यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट विद द सोल्यूशन फॉर दिस। प्लीज अपना एमटीपी ओपन कर लो, एंड एमटीपी का आप लोग जब क्वेश्चन नंबर वन यू विल ओपन, सो यू विल फाइंड दैट यस, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, एंड डेफिनेटली ये क्वेश्चन के बेसिस पे वी विल बी एबल टू सॉल्व द पॉइंट्स। सो प्लीज ओपन दिस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप। ऐसा कुछ और भी आपको चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। डेफिनेटली स्टे सब्सक्राइब्ड, क्लिक द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद दिस केस सिनारियो नंबर वन। और भी कुछ एक दो केस सिनारियोज है जो मैं आने वाले एपिसोड्स में सॉल्व करूंगा, आने वाले सेशंस में सॉल्व करूंगा। सो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। सो हियर्स द क्वेश्चन एंड लेट्स रीड। सपोज यू आर अ रिस्क मैनेजर एट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन and your company has loaned a significant amount of 500 crore to a company X limited for a period of 3 years. आपकी कंपनी ने लोन दिया है, पता है किसको? विजय माल्या को, नीरव मोदी को। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, अब क्या होगा, आपको पैरों तले जमीन खिसक गई ना, अब आपको टेंशन आ रहा है ये पैसा तो डूबने वाला है, तो आप क्या करोगे? आई होप आपने वो लास्ट सेशन देखा होगा जिससे आपको पता चल गया होगा, सर अपन तो टेंशन फ्री है, वी विल टेक अ CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप, ताकि अगर विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग हमारा पैसा लेके भाग भी गए तो हमको टेंशन नहीं है, हमने उसको हेज कर दिया है बाय अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप। तो वो अगर पैसा लेके भाग गया कोई बात नहीं, जो मेरा क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप सेलर है वो मेरे को पूरा का पूरा कॉम्पेंसेट करके दे देगा। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे आपने लोन दिया है कंपनी एक्स को 500 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स एट अ 6 मंथ MCLR प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स। अब MCLR क्या होता है, आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो लेंडिंग रेट, भाई कितने में लोन दिया है। MCLR इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, सिंपल वर्ड्स लेंडिंग रेट कितना है, MCLR प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स। MCLR लिस्टेड होगा तो वो, ये देखो ये रहा आपके पास लिस्टेड है, प्लस 200 बेसिस पॉइंट सब में ऐड कर देने का, 200 बेसिस पॉइंट्स मतलब 2%। सो 2% सब में ऐड कर दो तो यू विल गेट योर MCLR परसेंटेज। यू आर कंसर्न अबाउट विजय माल्या अबिलिटी टू रीपे द डेट ड्यू टू रीसेंट मार्केट वोलेटिलिटी। टू प्रोटेक्ट योर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पोटेंशियल डिफॉल्ट यू प्लान टू परचेज अ CDS फ्रॉम ABC बैंक लिमिटेड फॉर सम नोशनल अमाउंट एट अ प्रीमियम। सीधी सी बात है, वो अगर सामने ABC बैंक रिस्क ले रहा है तो वो प्रीमियम देगा कितना, 1% पर ईयर थ्रू कैश सेटलमेंट ऑन द रिस्पेक्टिव रीसेट डेट्स फॉर द सेम पीरियड। एक्चुअल MCLR इंटरेस्ट रेट कम्स आउट एज फॉलोज, योर रीसेट पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 MCLR का रेट भी दिया हुआ है। बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप इज, बोलो क्यों लिया अपन लोगों ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप? इट इज लाइक एन इंश्योरेंस, बराबर है? तो यहाँ पे जो भी लाइन से अपने को लग रहा है हाँ यार इंश्योरेंस वाली फीलिंग दे रहा है, दैट इज व्हाट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप इज फॉर। सिंपल, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स ना, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, हाँ तो ये इंश्योरेंस प्रोटेक्ट है अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेट ऑब्लिगेशन। यस, यही तो अपना रीजन है कि भाई अपने को एक टेंशन है, सो उस टेंशन से दूर करेगा ये। टू प्रोवाइड, देखो इंश्योरेंस गिव्स अ प्रोटेक्शन, सो ये इससे पता चल गया कि यही आंसर होगा। टू प्रोवाइड गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द बायर, ये होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप। नो। टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ लोन, नो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, आई होप समझ में आ गया होगा गाइस। फर्स्ट वाला तुम लोग भी देख लो, डन है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट CDS कॉन्ट्रैक्ट्स, बराबर? हाँ ट्रू, ध्यान रखना ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी। CDS कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्पेक्यूलेशन, फॉल्स। इट कैन बी यूज्ड, भाई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ही बनाया इसीलिए कि अपन स्पेक्यूलेट भी कर सके, हेजिंग भी कर सके, सो नो टेंशन। होता है ना, देखो डेरिवेटिव्स क्यों बनाए, रीजंस फॉर मेकिंग यूजेस ऑफ डेरिवेटिव, स्पेक्यूलेशन, हेजिंग, आर्बिट्रेजिंग, सो भाई ये तो उसका मेन काम है यार। ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये वाला तो आंसर नहीं है,
फॉर श्योर फॉर श्योर। फिर नेक्स्ट, सीरियस कॉन्ट्रैक्ट्स आर गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इज दिस ट्रू? नहीं, किस दो लोगों के बीच में सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? दो पार्टी कौन है? से फॉर एग्जांपल, मैं हूं, विजय माल्या ने मेरे से लोन लिया है तो वो एक पार्टी है, मैं सीडीएस डिफॉल्ट स्वॉप जो दे रहा है उसके पास जाऊंगा। इसमें कहीं पे भी बेटा गवर्नमेंट तो आया ही नहीं। सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्राइवेट अग्रीमेंट्स बिटवीन द टू पार्टीज। हाँ इट इज, इट इज सी डी ए, यस इट इज। और भी देख लेते हैं, सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स एलिमिनेट ऑल रिस्क फॉर बायर्स, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन एलिमिनेट ऑल द रिस्क। जिंदगी में ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं जो ऑल द रिस्क आपके एलिमिनेट कर देगा। हाँ ये बात याद रखना, ठीक है? अंटिल अनलेस यू आर गॉड, कोई ऐसा रिस्क है ही नहीं जो सब एलिमिनेट हो सकते हैं। यू कैन मिनिमाइज द रिस्क, कभी भी याद रखना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, अब बोलोगे सर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिस्क मिनिमाइज होगा, कम होगा, कभी एलिमिनेट नहीं हो सकता, राइट? तो फोर्थ पॉइंट तो जेनरिकली रॉन्ग है। सो ये सीडीएस क्या, दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है सर जो सबको एलिमिनेट कर दे, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर इज सी, इजी। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर कंडक्टिंग डिफॉल्ट स्वॉप ट्रांजेक्शंस? फेडरल रिजर्व? जी नहीं, मेरा मेरा इंस्टाग्राम पर एक बार चैनल देखना, उधर मैं ना ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स डालता हूँ जहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फेडरल रिजर्व का क्या काम है, या ये लाइबॉर क्या होता है, ऑल ऑफ दिस। आप लोगों को कनेक्ट करना चाहिए। वहां पे मैंने फेडरल रिजर्व समझाया है, जैसे इंडिया के लिए आरबीआई है वैसे वैसे के लिए फेडरल रिजर्व है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जैसे इंडिया के लिए सेबी है, अमेरिका के लिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है। जैसे वर्ल्ड, अबे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अबे ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप को रेगुलेट करना नहीं है, इट इज, नाम से ही पता चलता है। ये तो अगर एग्जाम में कभी किसी सीए फाउंडेशन के बच्चे को आ जाए ना एग्जाम में क्वेश्चन, वो भी आंसर दे देगा डिफॉल्ट स्वॉप ट्रांजैक्शन, और नाम है यहाँ पे भी स्वॉप, तो इंटरनेशनल स्वॉप डेरिवेटिव एसोसिएशन। अज्यूमिंग नो डिफॉल्ट अकर्स, ठीक है गाइस, क्लियर है? फर्स्ट थ्री डन थियोरेटिकल थे, सेकेंड ला फोर्थ और फिफ्थ जो है दे विल बी मेनली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। ओके, अज्यूमिंग नो डिफॉल्ट अकर्स, द टोटल प्रीमियम योर कंपनी विल पे ड्यूरिंग द डेजिग्नेटेड लोन पीरियड शैल बी, तो वो प्रीमियम वो लोग ने बोला था इट इज 1% और लोन लिया है 500 करोड़ का। अब ऐसा क्वेश्चन देखे मेरे जैसा आदमी थोड़ा एक्साइट हो जाता है। अगर मैं आपको एक संकल्प स्टूडेंट की बात करूँ ना, वो एक्साइट हो जाएगा, वो बोलेगा अरे वाह ये तो कितना इजी है, 500 करोड़ इंटू 1% ये होता है 5 करोड़, आंसर में दिख रहा है 5 करोड़, चलो लिख के आते हैं। बट वेट 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 भाई साहब, ये तो आपको टोटल 3 साल के लिए देना पड़ेगा, तो आपको 15 करोड़ देना पड़ेगा। सो टोटल प्रीमियम योर कंपनी विल पे विल बी 15 करोड़, एंड जी हाँ यही सही जवाब है। सपोज इफ द लेंडर डिफॉल्ट समवेयर, ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ऑफ लोन, ओ डिफॉल्ट, कोई बात नहीं, अपने को तो टेंशन है ही नहीं। आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 2 ईयर्स एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ योर रेफरेंस लोन फॉल्स टू 75% ऑफ इट्स पार वैल्यू, एबीसी विल पे योर कंपनी इन कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट मतलब नेट सेटलमेंट में आपको निपटा देगा। देखो मैंने ना आप लोगों को इसके पहले एक लेक्चर दिया था जहां पे मैंने आपको पूरा सीडीएस एक्सप्लेन किया था, वो भी एज पर योर मॉड्यूल। तो वहां पे था एक नेट कैश सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, से आपके पास 500 करोड़ का आपने किसी को लोन दिया है। अब लोन दिया है मतलब क्या, बेसिकली बॉन्ड्स की बात हो रही है, ठीक है? बॉन्ड्स इशू किया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने वो कंपनी का बॉन्ड्स लिया, ठीक है? ऐसा सोचते हैं कि आपने एक कंपनी का बॉन्ड्स लिया, जैसे ले लो ना एग्जाम्पल अपना किंग फिशर लिमिटेड का, तो किंग फिशर लिमिटेड का आपने बॉन्ड्स लिया, तो जब आपने उसके पास से 500 करोड़ का बॉन्ड लिया तो आपने उसको 500 करोड़ रुपया दिया, आपको डर है इसके लिए आपने उसका सीडीएस करवाया। अब हुआ क्या, मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज आने लगा दैट दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू रीपे एंड एवरीथिंग, इसकी वजह से इस 500 करोड़ का जो वैल्यू है वो हो गया मात्र उसका 75%, विच इज इक्वल टू 375 करोड़, ठीक है? सो अब मार्केट वैल्यू ऑफ द रेफरेंस लोन फॉल्स टू 75% ऑफ इट्स पार वैल्यू, तो 500 का 75% होता है 375, तो 375 करोड़ का अब इसका वैल्यू हो चुका है। तो अब भाई एबीसी अपना, ये जो अपना जिसको अपन ने जिससे अपन ने बॉन्ड लिया था, जिसको अपन लोग ने पैसा दिया था, वो पार्टी उड़ गया, ठीक है?
अब वो आर्टी पार्टी उड़ गया तो उसका जो बॉन्ड्स है वो मैं मार्केट में जाके बेच दूंगा तो मेरे को 375 करोड़ मिल जाएगा। बट सर मैं तो 500 करोड़ इन्वेस्ट किया है तो मेरे को तो 500 करोड़ मिलना चाहिए, बट सामने वाली पार्टी तो उड़ गई है, इसीलिए तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप लिया है ताकि वो जो डिफरेंस है वो सीडीएस वाला दे देगा। तो एबीसी बैंक जिसके पास से मैंने ये लिया है उसको मैं बोलूंगा भाई मेरा तो 500 करोड़ का टोटल लायबिलिटी था, उसमें से 375 तो मार्केट में बेच के मिल जाएगा, बचा कितना? वो बोलता है 125 करोड़, उतना अपने को कैश सेटलमेंट में दे दो। इसको बोलते हैं कैश सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट। दूसरा तरीका क्या होता है, वो सीडीएस वाला आपको बोलेगा कि आपको मैं 500 करोड़ देता हूं, आप मेरे को पूरा का पूरा आपका बॉन्ड्स दे दो, फिर वो मार्केट में जाके वो बॉन्ड्स को बेचेगा 375 करोड़। तो उसने इफेक्टिवली आपको 500 करोड़ दिया, 375 में वो मार्केट में जाके बेच देगा, नेट उसका 125 करोड़ का आउटफ्लो हुआ। बट दो ऑप्शन है उसके पास, या तो नेट सेटलमेंट कर दे, अभी यहाँ पे बोला है कैश सेटलमेंट नेट सेटलमेंट, तो अपन नेट सेटलमेंट में 125 करोड़ कर रहे। दूसरा ऑप्शन ये भी कभी कभी आ सकता है, ध्यान रखना, तो आपको उसमें पूरा 500 करोड़ वो दे देगा, बाकी अपना एडजस्टमेंट वो खुद से कर लेगा। जी हाँ, इसी के साथ होते हैं ये पांचों क्वेश्चन सीडीएस से रिलेटेड कंप्लीट। अब अगर एग्जाम में आता है तो वी विल बी एबल टू इजीली सिक्योर द होल 10 मार्क्स दैट इज आस्क्ड फॉर। अब ये इतना फटाफट इसलिए हो पाया बिकॉज अपन लोग ने ऑलरेडी वो थ्योरी पढ़ के रखा था विच हेल्प्ड अस। सो इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट, सीडीएस और उसका सम जो आप लोगों को वादा किया था वो कंप्लीट होता है। आपको और कुछ चाहिए डू लेट मी नो, स्टे कनेक्टेड गाइज, आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही है एंड कीप फाइटिंग हार्ड, दिस इज द टाइम नाउ जब देयर विल बी वेरिएशंस इन योर फीलिंग्स। कभी कभी लगेगा बहुत अच्छा हो रहा है, कभी कभी इट विल ड्रॉप डाउन, बट यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग ऑन, बिलीव इन योर सेल्फ एंड अप, इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे ऑफ एक्सट्रीम प्रिपरेशन एंड यू विल गेट थ्रू। ठीक है, चलो मिलते हैं, टाइम फॉर मी टू से आस्ता लविस्ता। प्लीज वो जो रिविजन वीडियोज डाले हैं, फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट के भी डाले हैं, प्रैक्टिकल के भी सारे डाले हैं, देखते रहिएगा, विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, आस्ता लविस्ता।